सुलियरी कोयला खदान को चालू रखने के लिए लोग सड़क पर उतर आए हैं। उनके प्रतिनिधि मंडल ने कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा है और वहीं आज लोग हाथों में बैनर और तख्तियां लेकर मांग करते नजर आए। सिंगरौली जिले के आंध्र प्रदेश मिनरल्स कॉरपोरेशन की सुलियरी कोयला खदान को चालू रखने के लिए सैकड़ों की संख्या में स्थानीय लोग रोड पर उतर आए। वहीं उनके प्रतिनिधि मंडल ने सुलियरी खदान को बेरोक टोक चलवाने के लिए कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा है। आपको बता दें कि सुलियारी कोल ब्लॉक के आसपास रहने वाले स्थानीय लोग कुछ गैर जिम्मेदार तत्वों से परेशान हैं, जो कि कोयला खदान के संचालन में दिक्कत कर रहे हैं। सुलियारी खदान ने स्थानीय लोगों के 5,000 से अधिक रोजगार के अवसर पैदा किए हैं। कोयला खदान बंद होने से लोगों को आजीविका पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने का डर है। वहीं आज अपने हाथों में सुलियारी कोल ब्लॉक के समर्थन में बैनर और तख्तियां लेकर स्थानीय लोग मांग करते नजर आए। सुलियारी कोल माइंस में जो भी धरना प्रदर्शन चल रहा है, ये बाहरी लोगों के द्वारा उकसा करके व्यवस्थापितों को धरना प्रदर्शन पर रोज बाई रोज बैठाया जा रहा है एवं जो भी व्यवस्थापित परिवार हैं एवं अन्य गांव के जो भी लोग इसमें रोजी रोटी रोजगार जो भी कर रहे हैं उनका जो है रोजी रोटी छीना जा रहा है। हमारा यही चाह है कि कोल परिवहन चालू हो, कोयला खनन चालू हो, देश का विकास हो, देश के विकास में बाधा ना पड़े। सभी लोगों से मेरा यही है कि मतलब जो है कोल परिवहन चालू हो जाए, खदान भी चालू रहे, अन्य खदानें भी आए और जो यहाँ की जनता है उसको रोजी रोटी रोजगार दिया जाए। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।